मैं कृषि आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला मामला है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में जो स्टडी है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बताइए जरूर। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला है जो आपको काफी ज्यादा हैरान कर देगा। एक हाथी है जो कि कुएं में गिर गया है और उसको बाहर निकालने के लिए साइंस के एक फार्मूले का अभी सहारा लिया है गांव के लोगों ने। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल के बारे में बताती हूँ, जहां पर जाके आपको पता चलेगा कि स्टडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके जरिए हम आगे की भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। बताइए जरूर कि आपकी नजर में स्टडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर कोई स्टडी नहीं करता तो उसको कितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तो गाइस ये जो पूरा मामला हमारे सामने झारखंड के गुमला जिले से आया है, जहां पर एक कुआं है और उस दौरान ही कुएं में पानी भी होता है, लाजमी है, और इस कुएं में भी पानी था। रात का समय था जिसके कारण शायद हाथी का बच्चा जो चलते चलते इस गांव से निकल रहा था, और उस दौरान ही वो हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। काफी छोटा बच्चा था और उसने काफी ज्यादा कोशिश की थी कुएं से बाहर निकलने की, पर कुआं काफी ज्यादा गहरा था और मासूम सा वो हाथी का बच्चा काफी ज्यादा चिल्ला भी रहा था, पर ग्रामीणों ने रात को उसकी आवाज नहीं सुनी। जब सुबह उन्होंने नजारा देखा तब वो हबड़ दबड़ में काफी ज्यादा कुछ कर रहे थे, पर फिर भी हाथी का बच्चा तो है, वो बच्चा तो है पर भारी तो होता ही है। वो इतना लंबा जो कुआं था उसमें से बच्चे को निकाल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वन विभाग वालों को भी सूचित किया गया, वन विभाग वाले भी वहां पर आए और फिर भी कहीं ना कहीं जाके वो नाकाम रहे। उस दौरान ही वहां पर कुएं का जो कि हाथी का बच्चा था वो काफी ज्यादा थक चुका था, और अगर वो कैसे तैसे करके अगर अपने पैर रोक देता तो एक्चुअली में वो डूब भी सकता था। तो इसलिए जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वहां पर जो आदमी लोग खड़े थे उनमें से एक आदमी ने ये चीज बताया कि बचपन में उसने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी चीज को ऊपर लाना हो तो आप पानी डालते रहो तो वो चीज का जो वजन होता है, चाहे कितनी भी भारी चीज है, तो वो पानी में तैरती रहेगी। तो आप पानी डालते रहो तो कुएं का जब पानी ऊपर आएगा तब हाथी भी ऊपर आ जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर ऐसा करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो सब चीजें कर रहे थे वैसे वैसे सच में बच्चा ऊपर आने लग गया और कुएं का पानी ऊपर आने लग गया। और उस दौरान ही वहां पर जो बाउंड्री बनी हुई थी कुएं की, वहां पर भी उन्होंने बाउंड्री भी तोड़ दी थी कि बच्चे को बाहर आने में आसानी हो पाए। और बच्चा जब बाहर आया तब बाजू में भी एक मिट्टी का गड्ढा खोद दिया था कि पानी जब ऊपर आता है तो उसी में जाके वो जमा हो जाए। बच्चा आखिरकार इस साइंस के फॉर्मूले की वजह से बाहर निकल गया। तो गाइज इसीलिए बोलते हैं कि स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्टडी कहां पर काम आए आपको खुद को पता नहीं होता। कभी कभार लाइफ में ऐसे मौके नहीं आते कि हमारी स्टडी का कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे फार्मूलेस का कभी इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर आपका दिमाग तेज है तब आपके फार्मूलेस कहीं ना कहीं तो काम जरूर आएंगे। तो आखिरकार आपसे जो सवाल पूछा है तो अब टाइम आ चुका है उसका जवाब देने का, जवाब जरूर दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।